कैसे स्टूडेंट, आज हम आपको पढ़ाएंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस डेरिवेशन को अच्छे से कर लीजिएगा, मैं आपको बहुत बढ़िया करके बताऊंगा और ये आप रख लीजिएगा 100%। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्रथम कोटि अभिक्रिया। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रट लीजिएगा। इसमें से अगर सवाल नहीं आया तो डेरिवेशन आएगा, डेरिवेशन नहीं आया तो सवाल आएगा। देखें, सबसे पहले बात आती है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक, तो हमारे पास ये एक रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। आर का मतलब अभिकारक, क्या है? अभिकारक, ये अभिकारक है और ये है उत्पाद बच्चों। ठीक है, आर फॉर रिएक्टेंट, पी फॉर प्रोडक्ट। ठीक, अब मैं यहां पर बात करता हूं, जब रिएक्शन ले हो तो ये हमने ए वन रखा है और ये क्या है, प्रोडक्ट जीरो और टी इक्वल टू जीरो इनिशियल टाइम। ठीक है, आफ्टर टी टाइम या टी समय बाद की बात करें तो a माइनस एक्स और यहां आ गया x। ठीक है, अब बात आती है कि हम इसके लिए क्या बात बताएं, प्रथम कोटि अभिक्रिया अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जो अभिक्रिया की दर है dx upon dt अभिकारक पदार्थ की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती है। अगर हमसे कोई पूछे प्रथम कोटि अभिक्रिया की परिभाषा बताइए तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे अभिक्रिया की दर अभिकारक पदार्थ की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होती है। ये हमारी हो गई कौन सी, प्रथम कोटि अभिक्रिया की डेफिनेशन। तो क्या लिखेंगे, वह अभिक्रिया प्रथम कोटि अभिक्रिया कहलाती है जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक पदार्थ की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होती है। देखिए, आपने देखा होगा dx/dt समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे और यहां आ जाएगा r की पावर 1। ठीक है, अब आप ऊपर वाले स्टेप से देखिएगा dx/dt बराबर k a माइनस एक्स पावर। ठीक है, ये हमारे पास समीकरण बन के आ गई अवकल समीकरण। इसका हम क्या करेंगे समाकलन कर लेंगे dx/a-x = k into dt। ठीक है, समाकलन करेंगे तो इसका समाकलन क्या होता है, माइनस log a माइनस एक्स बराबर kt+c। ये बच्चों पहली समीकरण, इसका समाकलन करा क्या आया, माइनस के log a माइनस एक्स kt+c। ठीक, अब बात करते हैं हाल। ठीक है, यहां पर बात कर रहे हैं कि इसके आगे कैसे बढ़ाते हैं, प्रारंभिक अवस्था से एक्स बराबर 0, टी बराबर 0, तब समीकरण एक से तब समीकरण एक से क्या करेंगे, ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, माइनस log a माइनस 0 बराबर k इंटू 0 प्लस सी माइनस log a सी, और ये दूसरी समीकरण होगी बच्चों। दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन 1, ये मान समीकरण 1 में रख लेते, ये मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या आ जाएगा, देखिएगा माइनस के log a माइनस एक्स
बराबर केटी माइनस लॉग ए। इस स्टेप को मैं इधर ले आना चाह रहा हूं तो क्या हो जाएगा, केटी बराबर लॉग ए माइनस लॉग ए माइनस एक्स, ठीक है। केटी बराबर ये लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स एक्स के इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, वन अपॉन टी आएगा, ठीक है, लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, ये डेरिवेशन आया। इस समय बच्चों ई चल रहा है यहां पर, बेस बेस कितना चल रहा है, ई चल रहा है। अब हम इसे बेस को ई को टेन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया। सबसे पहले क्या करेंगे कि ये लिखेंगे और हमारे पास ये प्रथम कोटि अभिक्रिया की डेफिनेशन क्या होगी, अभिक्रिया की दर अभिकारक पदार्थ की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होगी। आपने सिस्टम से पूरा पूरा कर लिया ऐसे करके। अब इसके बाद एक स्टेप बच्चों बची हुई है, वो ये है कि हम बेस ई को टेन में कैसे बदलें। बेस ई को टेन में बदलने के लिए, बेस ई को टेन में बदलने के लिए 2.303 से गुणा कर देंगे तब क्या आएगा बच्चों, k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, ठीक है, या k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन एक्स, ठीक है। ये आपको प्रथम कोटि अभिक्रिया हो गई जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप रख लीजिए। नोट करके एक बात मैं बता देना आंकिक प्रश्न के लिए, नोट याद रखिए आंकिक प्रश्न के लिए, बहुत आसान तरीके से अप्लाई करना है इसके लिए। यदि परसेंटेज वाले सवाल दिए हुए तो आप ए को हमेशा 100% लेके चलिएगा, कितना 100% हमेशा याद करिएगा, जो परसेंट दिया उसे लगा दीजिए। यदि भिन्नात्मक रूप दिया है तो बच्चों जो हमारा ए होगा वो एक लगा, परसेंटेज वाले में एक, परसेंटेज वाले में कितना लगना है 100 और भिन्नात्मक वाले में एक। इनसे कोई भी सवाल हो जाएगा, कोई भी सवाल हो सकता है बहुत आसान तरीके से, तो आप इसके लिए करिएगा। अगली वीडियो में हम आपको न्यूमेरिकल करना बताएंगे, ठीक है। Thank you.